तुम लोगों को बताया गया कि CDM का क्या रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1 2 सभी चीज़ बताया गया, वही वही चीज़ वहाँ पे ऐड किया गया है। साइमन कमीशन का क्या हुआ, यू नो दिस थिंग। और इसमें क्या कौन से पार्टी सपोर्ट नहीं किए थे, बॉयकॉट नहीं किए थे साइमन कमीशन को, जस्टिस पार्टी था एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ बात करते कि क्या ऐसा क्या प्रोविजन था। तो मैंने तुम लोग को बताया था कि साइमन कमीशन एक्चुअली में 1929 में आने वाला था, मैं ये नहीं आया क्योंकि जो पॉलिटिकल टर्मोइल जो इंग्लैंड में हो रहा था और पता चल गया कि यदि सत्ता हाथ से चला जाएगा और ये लोग को 1929 में भेजेंगे इंडिया का संविधान बनाने के लिए, तो ये लोग ब्लंडर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उन लोग के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, तो इसलिए प्री शेड्यूल यानी कि 1929 से पहले 2 साल पहले ही भेज दिया गया साइमन कमीशन को, समझे। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये क्या क्या प्रोविजंस था इसके अंदर, तो संविधान में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाना, यानी कि संविधान ऑल टुगेदर डिफरेंट बनाना। फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि सभी स्टेट का भी रहेगा योगदान, दैट इज अ फेडरलिज्म। तो इस तरह का संविधान बनेगा। डिस्क्रिशनरी पावर दिया जाएगा गवर्नर को, यानी कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है जी, समझे। डिस्क्रिशनरी यानी कि मनमानी कर सकता है, यही तो बहुत खतरनाक चीज़ है। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज। अब देखो ये हर समय हुआ है, जितना भी लॉ पास किया गया है, जितना भी तुम्हारा एक्ट पास किया गया, ऑल टुगेदर उसमें तुमको दिखेगा कि टाइम टू टाइम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली का उसका नंबर बढ़ाया ही गया है। तो इसमें भी यही किया गया है, जो गवर्नर जनरल थे उसके पास कंप्लीट पावर है कि वो अपने कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इतने कुछ रिफॉर्म्स थे, हालांकि इसको डिटेल्स में पढ़ोगे तो विल गेट टू नो मैनी थिंग्स, ठीक है ना, जो कि तुम लोग को बताया जाएगा बाद में, और भी बताया जाएगा बहुत सारा चीज़। देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, ये साइमन कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो पावर है ब्रिटिश का और इंडियन पीपल को जो इंडिपेंडेंस देना चाह रहा है वो डिले हो जाए। पहले क्या है कि लॉलीपॉप दे दिए बच्चे लोग को, लो बाबू यही तो आज़ादी है और क्या चाहिए तुमको, ले लो, ठीक है ना। ये लोग बोले क्या बात है, ब्रिटिश इतना कुछ कर रहा है हमारे लिए, यानी कि और ट्रांजिशन लेट करना, समझ रहे। गांधी जी ये सब सब समझ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही समझ गए क्विट इंडिया मूवमेंट में, तो समझ गए ना बात को, यानी कि डिले करना जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है ब्रिटिश टू पीपल, स्लो डाउन द पेस ऑफ नेशनलिज्म, जो क्योंकि नेशनलिज्म का इतना बीज बो गया कि सभी लोग को चाहिए अब आज़ादी, घर घर जो बैठा है उसको भी आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो भाई ठीक है, तुमको आ जाए चाहिए, तुमको दिक्कत है तब ना जाए चाहिए, अब हम तुमको देते हैं, जाओ रहो आराम से। तो नेशनलिज्म जो जो तुम्हारा इतना पनप रहा था उसको कंट्रोल करना है, और कम्युनल फीलिंग को बढ़ा देना है। क्यों फूट डालेंगे, अपने आप शांत हो जाएगा सभी। तो लिमिटेशन क्या रहा है इसका कि कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो पहले बताया गया था कि होगा उसको एबोलिश करने का, तो कोई बात ही नहीं है, वो एबोलिश करेगा भी नहीं, खत्म करेगा भी नहीं, क्योंकि चाहता है ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेले हम, क्योंकि इस कंट्री में बस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलेंगे, सत्ता पर रहेंगे हम बैठे हुए आराम से, जो कि अभी भी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी करता है, खाली प्रेजेंट गवर्नमेंट नहीं, आज़ादी के बाद भी बहुत लंबा समय तक हुआ है। कांग्रेस का इतिहास उठा कर देख लो और बीजेपी का इतिहास उठा कर देख लो, तो बाबू ज़्यादा मिल जाएगा तुमको ये सब चीज़। तो नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बताओ 18 साल वाला कॉन्सेप्ट तो हम आज़ादी के बाद ही ना आया जी, पहले तो 21 साल का था, बाद में चेंज हुआ है, सरकारी कमीशन का रिपोर्ट देख लो उसके बाद चेंज हुआ है वो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी को राइट है वोटिंग राइट्स का, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो नहीं देगा। तो कहाँ से जस्टिस मिला सबको, नहीं मिला वो। सिग्निफिकेंस क्या है, हाँ अब देखो साइमन कमीशन का सिग्निफिकेंस क्या है, कहीं ना कहीं एक नया रास्ता तो दिया नेशनल मूवमेंट के लिए, हालांकि ब्रिटिश लाया था कि नेशनलिज्म को हम कर्व करें, वह काउंटर हो गया ये, कोई इंडियंस नहीं है तो मैक्सिमम पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, आ जाओ पूरा बगावत हो गया। तो यानी कि इससे एक नया डायरेक्शन मिला नेशनल मूवमेंट को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वॉज टू कर्व नेशनलिज्म, वही तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव था कि नेशनलिज्म को कर्व कर दे, मैं ठीक उल्टा हुआ, और यहाँ से लॉन्चिंग ऑफ नेहरू रिपोर्ट हो गया जो बताए हैं 1928 का, हाँ मोतीलाल नेहरू जी का रिपोर्ट, और तो वहाँ से बात हो जाएगा पूर्ण स्वराज का भी, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 क्यों इतना बार मतलब इतना क्यों बताया जाता है, नेहरू रिपोर्ट ऐसा क्या चीज़ था उसके अंदर, तो देख लो, देखो पूरा मिलता जुलता है। ये प्रिपेयर किए थे मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने इन रिस्पॉन्स टू योर साइमन कमीशन। देखो इसमें क्या है कि नेहरू रिपोर्ट में एक सेंट्रल थीम था जो कि कंट्री का नया कॉन्स्टिट्यूशन का बात कर रहा था, कि भारत का संविधान बने तो उसमें जो निर्माता हो खुद भारतीय हो, ठीक है, और पूरी तरीके से ये सोशल बेस ऑफ डोमिनेंट स्टेटस हो, यानी कि
ब्रिटिश है ऊपर, ब्रिटिश ऊपर रहेगा, डोमिनियन स्टेटस बोल रहा हूँ। अब ये नहीं माना तब ना पूर्ण स्वराज का बात किया गया है, ये भी समझो ना। हाँ पहले उसी के अंडर रहे हम। इसमें क्या क्या चीज़ है, फ्रीडम ऑफ कोइंसाइन जो कि तुम आज आर्टिकल 25 में देखते हो, समझे, प्रोफेशन है, प्रैक्टिस ऑफ वंस रिलीजन जो कि तुम आर्टिकल 25 में देखते हो, सिटीजनशिप जो कि है तुम्हारा, फंडामेंटल राइट्स, एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी चीज़ है। ये पूरा रेप्लिका है तुम्हारा अभी का भारत का संविधान का, इसलिए नेहरू रिपोर्ट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि कोई सांप्रदायिक नाम पे कोई किसी का वोट नहीं हो सकता, इलेक्टोरेट नहीं हो सकता, मुस्लिम है तो क्या उसको अलग देंगे क्या, सब एक है। तो ये चीज़ था जो रिजर्वेशन था आपका सीट मुस्लिम के लिए। हाँ रिजर्वेशन तो देना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हम नहीं देंगे तो हिंदू सब चल जाएगा, तो फिर मुस्लिम का एस्पिरेशन पूरा कौन करेगा, तो रिजर्वेशन भी तो पॉजिटिव। हाँ इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीति भी है, राजनीति ज़्यादा है लॉजिक से। देखो मैं तुम लोग अब पूछ रहे हो तो बता ही देता हूँ। देखो हमारे कंट्री में 2011 सेंसस के हिसाब से देखोगे तो हमारे कंट्री में लगभग 78-80% हिंदू है, अब 15-17% मुस्लिम है। वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है आफ्टर इंडोनेशिया, करेक्ट। उसके बावजूद भी इंडिया में मुस्लिम का जो स्टेटस है वो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी स्टेटस देना है तो सिख को दीजिए, माइनॉरिटी स्टेटस देना है तो आप पारसीस को दीजिए। अरे गरीब में इसको इसलिए दिया जा रहा है, राजनीति, पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम उतना सशक्त नहीं हो पाए जितना हिंदू हुए हैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं। अरे गरीब में तो मगर रिजर्वेशन का हम पॉलिटिक्स में इसका उपयोग करते हैं पॉलिटिसाइज करने के लिए। और तुम जाओ मुस्लिम कैंडिडेट से पूछो किसको वोट दे रहे हैं, तो मोदी जी को तो नहीं दे रहे हैं, इस तरह कमेंट आएगा, राहुल बाबा को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से बीज बोया जा रहा है और क्या, समझ रहे हो? तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स का गेम है, नहीं तो हमारे समझ से जितना हमारा दिमाग है उस हिसाब से कभी दूर दूर तक माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए था मुस्लिम को। देखो रिजर्वेशन या माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है ना तो उसका दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए था किसी भी नेता को। मैं ये नहीं बोला कि हिंदू के फेवर कर दिए तो हम अच्छा बोलेंगे, नो, बेकार चीज़ है वो। एक लोकतांत्रिक देश में, एक प्रजातंत्र देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था, समझे ना, सब इक्वल होना चाहिए था। मैं हम यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड खेल देते हैं और उससे हम क्या करते हैं, वोट बटोर लेते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आया? देखो अब क्या कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम। अब देखो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो प्रोविंस है, देखो यहाँ पे ये वाला प्रोविंस, ये वाला, इसमें भी क्या किया कि हमने नॉन मुस्लिम को, क्योंकि ये वाला जो आबादी है ये तो पूरा मैक्सिमम मुस्लिम है, तो यहाँ पे दूसरा तुम्हारे धर्म का आदमी फाइट करेगा तो जीतेगा नहीं कभी इलेक्शन, मुश्किल है। इसके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दे दिया नॉन मुस्लिम को भी। और जैसे एग्जांपल देखो कि जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे लेट से कि हिंदू का आबादी ज़्यादा और मुस्लिम का आबादी कम है, तो वहाँ पे आपको मुस्लिम को देना पड़ेगा। तो यानी कि रिजर्वेशन भी देख के दिया था कि जहाँ पे कोई चांस ही ना हो। जैसे एग्जांपल देखो गोवा में फॉरनर्स के लिए रिजर्वेशन है कि नहीं है? दो एंग्लो इंडियंस अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, है कि नहीं हमारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में? क्यों? क्योंकि बाबू इलेक्शन में कभी जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है उसका, जब इलेक्शन में कभी जीत ही नहीं सकता है और उसका एस्पिरेशन कौन दिखाएगा, उसका कौन लीडर बनेगा, तो प्रेसिडेंट का दायित्व है कि वहाँ से वो सेलेक्ट करे और वो पार्लियामेंट में पहुँचाए लोग को जो ठीक से एस्पिरेशन समझे। और यही कारण है कि 12 मेंबर्स पूरी तरीके से राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं ताकि वो बहुत सारा एस्पिरेशन वो समझेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो लिटरेचर का हो, एंड सो ऑन। समझ गए ना बात को? ये कंट्री को ठीक से रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कंट्री हमारा इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, बहुत डाइवर्स है हमारा कंट्री। जो बाहर के फॉरनर्स आते हैं ना क्या बोलते हैं कि हम तो हर स्टेट में जाते, अलग अलग स्टेट है ये, और फिर भी कंट्री एक है। हमारे बहुत मित्र बाहर के हैं, वो आते बोलते हैं हमको बोलते हैं कि क्या है, व्हाट इज़ दिस, हम बोलते यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, मजाक है क्या? नॉर्थ ईस्ट में जाओ तुमको लगेगा कि इंडिया का पार्टी नहीं है, नीचे जाओ अपना। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, फिर भी एक है।
फिर भी जब विराट कोहली सेंचुरी मारता तो फिर भी सब खुश होता है, तो यही तो है, तो कॉमन बाइंडिंग फोर्स है। और नेशनलिज्म के लिए यही चाहिए, समझे, नेशनलिज्म के लिए यही चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि रिजर्वेशन सीट कहाँ कहाँ हो गया, यानी कि ये मोतीलाल इनका जो रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट, इन प्रोविंसेस अदर देन बंगाल एंड पंजाब रिजर्वेशन 10 साल के लिए किया गया था। अब देखो रिजर्वेशन इज ऑल टुगेदर टेम्पररी अरेंजमेंट, कि हम अभी 10 साल तक दे रहे हैं, फिर ये तबका पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ जाएगा तो रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तबका आगे बढ़ गया है। वही तो बोलते हैं, जब पॉलिटिक्स में उसका रूप ले लेता है, वो पॉलिटिक्स के अंदर जब समा जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है उसको निकलने में, क्यों, कब वोट मिल रहा है उसको, यही तो कारण है। कितना जातिवाद है हमारे स्टेट में, कुर्मी वोट तो इसको मिलेगा, यादव वोट तो उसको मिलेगा, क्या है ये सब, है ना। तो बात समझो, यानी कि 10 साल तक प्रोविजन था ये पंजाब और बंगाल, कभी नहीं बढ़ेगा कंट्री आगे इस तरह। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट नेहरू रिपोर्ट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मैंने बोला कि नहीं किया, ठीक है। इन रिस्पॉन्स क्या किया, इंडियन लीडर थ्रेटन, बोला कि नहीं करोगे दूसरा मास मूवमेंट कर देंगे एनसीएम की तरह, मजाक है क्या, तो बोला कि ठीक है। एंड दिस टाइम द गोल हुड नॉट बी, बोला कि इस बार केवल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, इस बार हमारा पूर्ण स्वराज होगा, जाओ, यानी कि पूरा ट्रांजिशन देख रहे हो ना, हुआ क्या था, हम बोले नहीं दिया, अब हमको पूरा आज़ादी चाहिए, तो यही तो होता है घर में। घर में बोला कि मम्मी आधा घंटा के लिए जाए, तो मम्मी रोक रही है, अरे क्या जाएगा आधा घंटा के लिए, बोला अब हर दिन जाएंगे, जब आओ पूरा घूमेंगे, अब हो गया, कितना दिन तक, कितना दिन तक उसको दबा के रखा जाए, और पूरा अपना घूम रहा है अपना होता है ऐसा, क्योंकि आपका रिस्ट्रिक्शन भी एक जस्टिसेबल होना चाहिए ना, कितना दिन तक रोकोगे आप। तो लाहौर सेशन में ऐसा क्या हुआ कि इतना कुछ बोल रहे हैं, देखो इन 1929 लाहौर सेशन का हुआ, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, ये पहली बार है कि जहाँ पे स्वराज को ठीक से डिक्लेयर किया गया, हाँ, और ये लैंडमार्क इवेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि यही इवेंट से मिलता जुलता तुम्हारा चीज़ क्या है, रिपब्लिक डे, इसी दिन बाबू 26 जनवरी 1929 को ये हुआ था, और हमारा रिपब्लिक डे भी उसी दिन सेलिब्रेट किया था उसको वो करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, ये यहीं तक रखते हैं, स्टेडियम के बारे में कल बताएंगे एक फ्रेश एनर्जी के साथ, इसलिए हाँ कल इसको क्लब करेंगे।